SN Live सच सबसे आगे। सिवान में लगातार दूसरे दिन सेल टैक्स की छापेमारी जारी। शहर के बड़े व्यवसायियों के बीच मची हड़कम। टैक्स चोरी को लेकर हो रही छापेमारी। सिवान शहर में लगातार सेल टैक्स में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद शहर में पिछले दो दिनों से सेल टैक्स विभाग की टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। मंगलवार की देर शाम तक सेल टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने शहर के टड़वा मोड़ स्थित प्रतीक हीरो एजेंसी बाइक शोरूम में तकरीबन 6 घंटे से अधिक समय तक छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने एजेंसी के द्वारा अब तक के खरीद बिक्री का लेखा जोखा कर रही है। बताते चले कि हाल ही में 22 मई को सिवान आरपीएफ ने वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन से कुल 52 लाख रुपए की ज्वेलरी के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया था। जांच के क्रम में पाया गया कि जो ज्वेलरी बरामद किए गए हैं वह सिवान के दो बड़े ज्वेलरी कारोबारियों के हैं। इसके बाद आयकर विभाग की टीम ने सिवान के नामचीन दो सराफा कारोबारियों के यहां छापेमारी में 40 लाख रुपए कैश के साथ 33 करोड़ रुपए के स्टॉक पाए गए थे। इधर बुधवार को सुबह से छापेमारी हो रही प्रतीक हीरो बाइक एजेंसी में सेल टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ खामियां मिली है। बता दें कि छापेमारी के लिए पहुंचे सेल टैक्स के कमिश्नर महेंद्र कुमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय सिवान पहुंची है। बताया जा रहा है कि एजेंसी के द्वारा वित्तीय वर्ष 17 और 2018 के सेल में गड़बड़ किया गया है। छापेमारी करने पहुंचे सेल टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि प्रतीक हीरो एजेंसी में जो सेल हुआ है वह उनके जीएसटी पोर्टल पर सेल कम दिखा रहा है, जबकि अकाउंट के द्वारा बिक्री ज्यादा की गई है। सेल टैक्स के अधिकारियों के अनुसार सिवान शहर में तकरीबन आधा दर्जन से अधिक से ऐसे व्यापारी है जिनका जीएसटी पोर्टल पर वेलकम दिखा रहा है, जबकि वास्तव में अकाउंट के द्वारा ज्यादा बिक्री हुई है। अधिकांश बड़े व्यवसायियों के द्वारा टैक्स में चोरी की गई है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर।